दिल्ली में आज समाज विकास पार्टी को लोकसभा चुनाव में अगर हमारी पार्टी को सत्ता मिली तो भ्रष्टाचार हम मिटाएंगे। हिंदू राष्ट्र सबका है अशोक सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष। समाज विकास पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने हेतु महाराष्ट्र से कई राज्यों से होते हुए दिल्ली तक हमने यात्रा की। जंतर मंतर से खबर जोगिंदर डोगरा। समाज का विकास करना है इसलिए समाज विकास नाम रखा मैंने, और समाज का विकास करने के लिए आपको इस देश में क्रांति लानी पड़ेगी, इसलिए मैंने हमारी पार्टी का अपनी पार्टी का नाम समाज विकास क्रांति पार्टी रखा है। हमारा मूल उद्देश्य है हमारे देश की जो जनता है 140 करोड़ के लगभग जो सरकारें हैं, जो आज केंद्र में सरकार है, जो प्रदेश में सरकार है, सारे लुभावने भाषण देते हैं, कुछ न कुछ कहते रहते हैं। मेरा उद्देश्य उनसे हटके है। जब हमारी सरकार आएगी पूरे देश में तो सबसे पहले हम लोगों को मुफ्त में अनाज नहीं देंगे। मुफ्त में अनाज देने का मतलब होता है कि भीख देना। हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम भीख देने का काम नहीं करेंगे, हम अनाज देने का काम नहीं करेंगे, हम लोगों को अपंग बनाने का काम नहीं करेंगे। हम 1 करोड़ लोगों को पूरे देश के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरा मेरा उद्देश्य होगा, हम पूरे देश में हिंदू राष्ट्र, जो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब उनके न कोई पार्लियामेंट में मेंबर है, न उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है और न किसी पार्टी में है, वो तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। समाज विकास क्रांति पार्टी आज रजिस्टर्ड है, पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। जब हमारे मेंबर्स पार्लियामेंट के मेंबर जब चुन के आएंगे, देश में हमारी सत्ता होगी तो हम हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। पूरे देश में जो हर जगह आप देखे होंगे, दुनिया भर के प्रदेशों में, हर प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ प्रशासन इतना लूज है कि आपने देखा होगा कहीं ना महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ अत्याचार होते रहता है। जब हमारे देश में समाज विकास क्रांति पार्टी की सत्ता आएगी, समाज विकास क्रांति पार्टी की सरकार बनेगी तो कभी भी महिलाओं के ऊपर कभी भी कोई भी अत्याचार नहीं कर सकता, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। एक बार हाथ ऊपर करके अध्यक्ष आपका स्वागत करना जोरदार तरीके से। आइए अशोक जी, क्रांति पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। समाज विकास क्रांति पार्टी के इस मंच पे आए हुए दूर दराज से हमारे अतिथि इस मंच को सजोने का काम जिन्होंने किया है वो समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील सक्सेना जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय महामंत्री राज कपूर जी, हमें हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले बहुत ही ज्ञानी, पूरे देश का नॉलेज रखने वाले ऐसे हमारे एडवोकेट सुधीर जी, हमें पूरी तरह से
सहयोग करने वाले तन मन धन से हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चलने वाले डॉक्टर राजेश जी और हमारे छोटे भाई जो डॉक्टर जो एडवोकेट सुधीर जी के साथ में कंधे से कंधे मिला के चलने वाले ऐसे एडवोकेट गुलशन जी, सामने बैठे हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मीडियाकर्मी, पुलिसकर्मी तथा सभी बंधु, हम 20 जनवरी से 16 जनवरी को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे और 20 जनवरी से महाराष्ट्र मुंबई से हमने अपनी रैली का शुभारंभ किया था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान होते हुए हम आज 12 फरवरी को अपनी संकल्प यात्रा रैली का समापन करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, समाज विकास क्रांति पार्टी जिस दिन सत्ता में आ जाएगी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का काम करेगी समाज विकास क्रांति पार्टी। इनके सारे पैतरों को बंद करने का काम करेगी समाज विकास क्रांति पार्टी। ये करते हैं लेकिन कहते हैं हम इसको दूर करेंगे, करते खुद हैं, यही करते हैं। भ्रष्टाचार देश में लाने का काम ये करते हैं जब इनकी सरकार आती है और कहते हैं, बार बार कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे। इन्होंने कहा था कि हम विदेशी फंड को इंडिया में हिंदुस्तान में लेके आएंगे और इतना फंड हिंदुस्तान में लेके आएंगे विदेश से कि हिंदुस्तान के पास, भारत के पास कभी भी भुखमरी नहीं होगी, कभी भी बेरोजगारी नहीं होगी। हर अकाउंट में 14-14 लाख, 140 करोड़ जनता के पास हर अकाउंट में 14-14 लाख। कहां गए हो पैसे, किधर गए हो पैसे? नोटबंदी बंद हुई, समाज विकास क्रांति पार्टी जिंदाबाद, समाज विकास क्रांति पार्टी जिंदाबाद। समाज विकास क्रांति पार्टी, जैसा कि आप बैनर भी देख रहे हैं, हमारे अध्यक्ष आप भी साथ में हैं और मैं माननीय अशोक जी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, उन्होंने समय निकाला। और मैं सुनील सक्सेना पार्टी के महासचिव के हैसियत से मैं कार्य कर रहा हूं और सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं